वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, थर्ड यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, विच इज़ बाय लिंडा हर्जन। ऐसे का नाम है थियोराइजिंग द पोस्ट मॉडर्न टूवर्ड्स अ पोएटिक्स। तो जैसे कि ऐसे के टाइटल से ही क्लियर है कि इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म को थियोराइज करने की, उसके कुछ थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स देने की बात की गई है। एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द टाइटल इज़ टूवर्ड्स अ पोएटिक्स। So the critic has tried to sum up the theoretical concepts in postmodernism. ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि पोस्ट मॉडर्निटी भी जब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें और कई टर्म्स आ जाती हैं। तो अगर आपको अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। So I start reading this PDF. Linda Hutchin distinguishes between postmodernity and postmodernism carefully. So postmodernity jo hai, that is a kind of period that is related with some time period. Aur postmodernism jo hai wo trend ki baat hai. Ye dono words mein humne difference yaad rakhna hai. Postmodernity jo hai that is designated to a time period, aur postmodernism jo hai wo trend ki baat karta hai. So postmodernity means the designation of a social and philosophical period or condition, specifically the period or condition in which we now live. She has associated postmodernism with cultural expressions of various sorts, including architecture, literature, photography, film, painting, video, dance, and music. By distinguishing between the two domains, she offers a critique of Frederick Jameson's influential attack against the postmodern. The slippage of postmodernity to postmodernism is constant and deliberate in Jameson's work. For him, postmodernism is the cultural logic of late capitalism. So, the time period after two wars and the time period in which there was a lot of experimentation, us time mein jahan par har genre mein, har एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हो रही थी, उस एज को पोस्ट मॉडर्निज्म कहा गया, उस ट्रेंड को। तो हचिन आर्ग्यूज दैट पोस्ट मॉडर्निज्म कैन नॉट सिंपली बी यूज एज अ सिनोनिम फॉर द कंटेम्प्रेरी एज इट डज नॉट रियली डिस्क्राइब एन इंटरनेशनल कल्चरल फिनोमेना, इट इज़ प्राइमरली यूरोपियन एंड अमेरिकन। सो शी सेज पोस्ट मॉडर्निज्म इज फंडामेंटली कॉन्ट्रोडिक्ट्री, रेजोल्यूटली हिस्टोरिकल एंड इनएस्केपेबली पोलिटिकल। आगे आंसर में वो इन्हीं चीज़ों को डिफाइन करेगी कि कैसे, ठीक है। सो पोस्ट मॉडर्निज्म में मार्क द साइट ऑफ स्ट्रगल ऑफ द इमर्जेंस ऑफ समथिंग न्यू, बट इट हैज़ नॉट रिप्लेस्ड लिबरल ह्यूमनिज्म। शी टेक्स एग्जाम्पल ऑफ फिल्म टू मेक इट क्लियर। इन द मूवी ब्राज़ील बाय टेरी गिलियम, ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहो तो इसको देख सकते हो। द फेमस शॉट ऑफ द बेबी कैरियज, इसमें एक ऐसा सीन था जिसमें एक छोटे बच्चे का जो कैरियज है, जिसे बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जाता है, वो स्टेप्स पर था और बच्चे के गिरने का सीन था, लेकिन उस सीन को रिप्लेस कर दिया गया एक फ्लोर क्लीनर के सीन के साथ। अगर वो बेबी कैरियज से गिरता तो ऑडियंस में किस तरह की फीलिंग आती? नेचुरली उनमें पैथस आता, उस बच्चे के लिए सिम्पथी की फीलिंग आती। लेकिन वहीं अगर एक फ्लोर क्लीनर स्लिप कर रहा है तो किस तरह की फीलिंग आएगी? तब लाफ्टर आएगा, ठीक है। तो ये जो चेंज है इस सीन में, ये क्या शो करता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो था वो लिबरलिज्म से दूर, ह्यूमन लिबरलिज्म से दूर नहीं था, राइट? क्योंकि लिबरल ह्यूमनिज्म में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम लाफ्टर क्रिएट करने के लिए इन चीज़ों का सहारा नहीं ले रहे। तो ये जो एक रिप्लेसमेंट है एक सीन की, उसमें एपिक ट्रेजेडी को, क्योंकि अगर बेबी गिरता तो दैट वुड बी ट्रेजिक, तो उस ट्रेजिक सीन को बैथस में चेंज कर दिया गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द रिज़ल्ट इज़ टू रिड्यूस एपिक ट्रेजेडी टू द बैथस ऑफ द मकैनिकल एंड डिबेस्ड। अब बैथस का मतलब क्या होता है? BATHOS, बैथस मीन्स इंटेंशनल डिक्लाइन। जब हम जानबूझ के किसी चीज़ के इफ़ेक्ट को फ़नी वे में ले जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैथस। अब एक बच्चा गिरता तो ट्रेजिक सीन होता, अब उसके को फ्लोर क्लीनर अगर स्लिप कर रहा है तो दिखने वाले को लाफ्टर आएगा। तो एक ट्रेजेडी का सीन चेंज होकर
बैथस में हो गया, और वो भी बड़ा मैकेनिकल सा सीन है क्योंकि इट इज़ बट ऑब्वियस कि फ्लोर क्लीनर जो है क्लीनिंग करने के टाइम पे दे कैन स्लिप एंड फॉल डाउन. अलॉन्ग विद दिस आयरोनिक रीवर्किंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द फिल्म कम्स अ टेम्पोरल हिस्टोरिकल वॉर्प. द मूवी इज सेट एट 8:49 AM सम टाइम्स इन द 20th सेंचुरी. द डेकोर डज नॉट हेल्प अस आइडेंटिफाई द टाइम मोर प्रिसाइसली. द फैशंस मिक्स द एब्सर्डली फ्यूचरिस्टिक विद 1930s स्टाइलिंग. देयर डजंट सीम टू बी प्रेजेंस ऑफ कंप्यूटर्स. देयर इज ऑल्सो मिक्सिंग अप ऑफ डिफरेंट जॉनर्स. अब इस मूवी में क्या है, क्योंकि ये मूवी एक अवंत गार्ड टेक्निक में बनाई गई है जिसे हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक कहते हैं, तो यहाँ पर सेटिंग भी हमें हेल्प नहीं कर रही कि हम टाइम को इमेजिन नहीं कर पा रहे कि कौन सा टाइम है. द राइटर देन रेफर्स टू द जॉनर ऑफ हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन. अब हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन क्या है? मेटाफिक्शन का मतलब होता है बियॉन्ड फिक्शन, जिसमें हम हिस्ट्री को बेस बनाकर हम जो इमेजिनेटिव एलिमेंट्स हैं उनको डील करते हैं. इट इज़ अप्लाइड टू दोज वेल नोन एंड पॉपुलर नॉवल्स विच आर बोथ इंटेंसली सेल्फ रिफ्लेक्सिव एंड येट ले क्लेम टू हिस्टोरिकल इवेंट्स. तो ऐसे फिक्शन के जो ऐसे वर्क्स ऑफ फिक्शन, ऐसे नॉवल्स जो किसी ना किसी इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे आगे एग्जाम्पल में लिखा भी हुआ है, फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमेन, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, रैग टाइम, लेग्स, फेमस लास्ट वर्ड्स. बट इट हैज़ कॉमनली बीन कॉल्ड एट मिड फिक्शन बाय सम क्रिटिक, मिड फिक्शन और पोस्ट मॉडर्निस्ट फिक्शन. तो इस तरह की जो लेबलिंग है इज अनदर काइंड ऑफ द इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्ट्रीनेस. गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड हैज़ ऑफन बीन डिस्कस्ड इन एग्जैक्टली द कॉन्ट्राडिक्ट्री टर्म्स. सो द पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर बिकेम सेल्फ कॉन्शियस अबाउट देयर लिटरेरी हेरिटेज बट मैनेज टू रिकनेक्ट देयर रीडर्स टू द वर्ल्ड आउटसाइड द पेज. अब ब्लिंडा हर्चन ने जो एग्जाम्पल ली है उस मूवी की, उसके थ्रू दिखाया गया है कि उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करके प्रेजेंट किया गया, टाइम सीक्वेंस को गेस करना थोड़ा मुश्किल है. सिमिलरली अब पोस्ट मॉडर्निज्म में व्हाट वाज हैपनिंग इन पोस्ट मॉडर्निज्म, तो नेक्स्ट पैरा में हम इसकी बात करेंगे. पोस्ट मॉडर्निज्म चैलेंजेस द इंक्रीजिंग यूनिफॉर्माइजेशन. यूनिफॉर्माइजेशन का मतलब होता है सेमनेस ऑफ मास कल्चर. मास कल्चर क्या होता है, जो ऑन द होल जो कल्चर ऑब्जर्व किया जा रहा है. इट डजंट डिनाई इट, इट डज सीक टू assert the difference. Most theorists who see postmodernism as cultural and dominant agree that it is characterized by the result of late capitalist dissolution of bourgeois is business class, then hegemony and development of mass culture. Postmodern culture has a contradictory relationship to our dominant liberal humanist culture. Modernists like Eliot and Joyce have been seen as profoundly humanistic. ये दोनों poets आप अपने फोर्थ पेपर में पढ़ चुके हों, उनके कंसर्न देखो, बिकॉज ऑफ देयर डिज़ायर फॉर स्टेबल एस्थेटिक एंड मॉरल वैल्यूज़. तो कहीं ना कहीं जॉयस और एलियट दे आर टॉकिंग अबाउट डिस इंटीग्रेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़ इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर. हमने एलियट का बेरियल ऑफ द डेड भी पढ़ा, हमने एलियट का प्रूफ रॉक भी पढ़ा. उसमें जो एक स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ लोनलीनेस है वो किस चीज़ को दिखा रही है, मॉडर्न मैन की कंडीशन को दिखा रही है, जिसमें वो रिग्रेट कर रहा है लॉस ऑफ मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर. तो डिज़ायर क्या है कि लाइफ में स्टेबिलिटी हो, मॉरल वैल्यूज़ की, एस्थेटिक वैल्यूज़ की एक स्टेबिलिटी हो. सो व्हाट इज़ द पोस्ट मॉडर्न सीन? अब पोस्ट मॉडर्निज्म में दिखाया क्या गया, सो पोस्ट मॉडर्निज्म सीन में क्या है? अ बॉडी विदाउट ऑर्गन्स, अ नेगेटिव स्पेस, अ पुअर इम्प्लोजन, अ लुकिंग अवे और एन इलेट्री मैकेनिज्म. इलेट्री इज रेंडम मैकेनिज्म. अब पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर ने इन राइटिंग्स को चैलेंजिंग कैसे बनाया कि उन्होंने एक के बाद एक सीन्स जो हैं वो जोड़ दिए, लेकिन उसमें एक लॉजिकल सीक्वेंस जो है वो थीमेटिकली ही बन सकता था. अदरवाइज़ वो सीन हमें दिखने में क्या लगते थे कि वो डिसइंटीग्रेटेड है, वो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए. सो पोस्ट मॉडर्निज्म हैज़ चैलेंज्ड द मीडिया टू द यूनिवर्सिटी फ्रॉम म्यूजियम्स टू द थिएटर्स. द बॉर्डर्स बिटवीन लिटरेरी जॉनर्स हैव बिकम फ्लूइड. None can tell the limits between the novel and the long poem, the novel and autobiography, the novel and history, the novel and biography. The most radical boundaries crossed have been those between fiction and non-fiction. By extension between art and life, Kionski calls it postmodern form of writing autofiction.
फिक्शन बिकॉज ऑल मेमरी इज फिक्शनलाइजिंग, ऑटो बिकॉज इट इज़ अ लिटरेरी जॉनर. अब क्या हुआ यहाँ पर, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म में जो जॉनर्स थे उनकी जो क्लियर डीमार्केशन थी वो ख़त्म हो गई. मतलब अगर हम पहले डिवाइड कर रहे थे कि दिस गिवन वर्क इज़ अ नॉवल, दिस गिवन वर्क इज़ अ पीस ऑफ पोइट्री, अब वो जो डिफरेंस था वो ख़त्म हो गया. अब चीज़ें मिक्स होनी शुरू हो गई. फिक्शन से नॉन फिक्शन तक का जो डिफरेंस था वो ख़त्म हो रहा था, और इसी तरह से आर्ट और लाइफ का. कहने का मतलब अब चीज़ों को ज़्यादा मिक्स करके प्रेजेंट किया गया. पैरोडी इन सम सेंसेस इज़ अ परफेक्ट पोस्ट मॉडर्न फॉर्म. इट बोथ इनकॉर्पोरेट्स एंड चैलेंजेस दैट विच इट पैरोडीज. अब पैरोडी का मतलब क्या होता है? इमिटेशन. इमिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसको भी शामिल करते हैं. इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? उस चीज़ को शामिल करना और उसी को चैलेंज भी करना. पैरोडी क्या होती है? किसी की फ़नी इमिटेशन जो है. इट ऑल्सो फोर्सेज अ रिकन्सिडरेशन ऑफ द आइडिया ऑफ ओरिजिन और ओरिजिनैलिटी. हिस्टोरिकल एंड नैरेटिव कंटिन्यूटी एंड क्लोजर्स आर कंटेस्टेड फ्रॉम विद इन. द सेंटर नो लॉन्गर कम्प्लीटली होल्ड्स. द लोकल एंड द ओरिजिनल आर स्ट्रेस्ड इन द फेस ऑफ मास कल्चर. कल्चर हैज़ बिकम कल्चर्स अकॉर्डिंग टू द पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक. नो नैरेटिव कैन बी अ नेचुरल मास्टर नैरेटिव. देर आर नो नेचुरल हेरार्कीज. हेरार्कीज किसे बोलते हैं? जो ऑर्डर है, जो एक किसी चीज़ का सीक्वेंस है. देर आर ओनली दोज वी कंस्ट्रक्ट. तो पोस्ट मॉडर्निज्म में आकर जॉनर्स जो हैं वो जम्बल्ड हो गए, कन्फ्यूज्ड हो गए, उनके बीच का डिफरेंस ख़त्म हो गया. तो मॉडर्न हिस्ट्री एंड मॉडर्न लिटरेचर हैव बोथ रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट डोमिनेटेड दैम फॉर सो लॉन्ग. बोथ नाउ कंसीव ऑफ देयर वर्क एज एक्सप्लोरेशन, टेस्टिंग, क्रिएटिंग ऑफ न्यू मीनिंग्स रादर दैन डिस्क्लोजर ऑफ मीनिंग्स. अब लिटरेरी वर्क्स किसी मीनिंग को ढूंढ नहीं रहे थे, किसी मीनिंग को बता नहीं रहे थे, रादर वो नए नए मीनिंग्स का एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे थे. ऑलरेडी इन सम सेंस हिस्ट्री इज़ नॉट मेड ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट क्या होता है? जो चीज़ अब यूज़ में ना हो. इट इज़ ह्यूमन कंस्ट्रक्ट. इट डजेंट डिनाई दैट द पास्ट एग्जिस्टेड बट इट्स एक्सेसिबिलिटी टू अस इज़ इंटायरली कंडीशन बाई टेक्सचुअलिटी. वी कैन नॉट नो द पास्ट एक्सेप्ट थ्रू इट्स टेक्स्ट. इट्स डॉक्यूमेंट्स, इट्स एविडेंस और इट्स आई विटनेस अकाउंट्स आर टेक्स्ट. इवन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पास्ट, इट्स सोशल स्ट्रक्चर्स एंड प्रैक्टिसेस कुड बी सीन एज अ सोशल टेक्स्ट. पोस्ट मॉडर्न नॉवल्स लाइक द स्कॉटवुड पीपल एंड द वाइट होटल टीच बोथ दीज बोथ दिस फैक्ट एंड इट्स कंसिक्वेंसेज. तो अब हिस्ट्री को किस तरह से लिया गया कि हिस्ट्री वही है जो हमें टेक्स्ट में अवेलेबल है. टेक्स्ट कितने तरह की हो सकती है? एक तो रिटन टेक्स्ट है, सेकेंडली जो हमें आई विटनेस अकाउंट मिलते हैं. मान लो कोई हिस्टोरिकल इवेंट है जिसके बारे में आपने किसी बुक में नहीं पढ़ा, लेकिन किसी ने आपको वो अकाउंट बताया है क्योंकि उस पर्सन ने उसको एक्सपीरियंस किया था. सो दीज आर ऑल हिस्टोरिकल टेक्स्ट. एनी पोइटिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म शुड कम टू टर्म्स विद द इमेंस अकाउंट इमेंस अमाउंट ऑफ मटीरियल दैट हैज़ ऑलरेडी बीन रिटन इन द सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इन ऑल फील्ड्स. द डिबेट इनवेरिएबल बिगिन्स ओवर द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स पोस्ट बट इट मार्क्स नीदर अ सिंपल अ रेडिकल ब्रेक फ्रॉम इट नॉर अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटिन्यूटी विद इट. द कॉन्स्टेंट कंप्लेंट दैट पोस्ट मॉडर्निज्म इज ईदर अ हिस्टोरिकल और इफ़ इट यूजेज हिस्ट्री इट डज सो इन अ नेव एंड नॉस्टैल्जिक वे. पोस्ट मॉडर्निज्म कन्फ्रंट्स एंड कंटेस्ट एनी मॉडर्निस्ट डिस्कार्डिंग द पास्ट इज इन द नेम ऑफ द फ्यूचर. इट सुजेस्ट नो सर्च फॉर ट्रांसेंडेंट टाइमलेस मीनिंग बट अ री इवेल्युएशन ऑफ एंड अ डायलॉग विद द पास्ट एंड इन द लाइट ऑफ द प्रेजेंट. तो जो पोस्ट वर्ड आगे लगा है, तो पोस्ट एज अ प्रिफिक्स उसका मतलब होता है बाद में. तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है ये सोच लेना कि मॉडर्निज्म ख़त्म हो गया उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म शुरू हुआ. तो पोस्ट मॉडर्निज्म में भी कई ऐसी टेंडेंसीज पाई गई जो मॉडर्निज्म में ऑलरेडी प्रेवलेंट थी. विद इन सच अ पोस्ट मॉडर्न आइडियोलॉजी नोशंस ऑफ रियलिज्म और रेफरेंस द विजिबल पैराडॉक्सेस ऑफ पोस्ट मॉडर्न डू नॉट मास्क एनी हिडन यूनिटी विच एनालिसिस कैन रिवील. पोस्ट मॉडर्निज्म कंटिन्यूज टू हैव अ डेट्रीमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन सोशल वर्क. To reach at a sure and single meaning of postmodernism remains a far cry. Remains a far cry means it is just impossible to give one
यू नो स्ट्रेट जैकेटेड वर्ड टू दिस पोस्ट मॉडर्निज्म, इसको एक डेफिनेशन दे पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज सच एन एंटरप्राइज वुड नॉट यील्ड एनी यूनिवर्सल ट्रूथ. इट रादर लीड्स टू अ रिकग्निशन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंसेज एंड इवन कॉन्ट्राडिक्शंस. द होल मीनिंग मेकिंग प्रोसेस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म थियोरी इज़ अ सिग्निफाइंग प्रोसेस. सिग्निफाइंग प्रोसेस का क्या मतलब है? जिसमें आगे की आगे हम और मीनिंग निकाल रहे हैं. सिग्निफायर क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ वर्ड, और सिग्निफाइड होता है उसका मीनिंग. तो पोस्ट मॉडर्निज्म में आप जितने भी वर्क्स पढ़ते जाओगे उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग मिलते जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री का भी यूज़ होगा. हिस्ट्री को हम बिल्कुल उसमें ज़ीरो मान के नहीं चलेंगे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म. तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी इट विल बी ऑन इहाब हसन्स टूवर्ड अ कंसेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म. तो डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज दैट एसे इज सिंपलर दैन दिस वन. तो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस PDF, यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियोज़. थैंक यू ऑल.